हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th रसायन विज्ञान का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है भैया स्वर्ण संख्या किसे कहते हैं, या इसे हम स्वर्णांक के नाम से भी जानते हैं। तो स्वर्णांक किसे कहते हैं, इसका परिभाषा क्या होता है, इस वीडियो में हम समझेंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो इससे पहले मैं बता दूं कि यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं और यदि आपको सब कुछ अच्छे से साफ साफ दिखाई दे रहा होगा तो बहुत ही अच्छी बात है। यदि नहीं दिखाई दे रहा होगा तो आपकी क्या है भैया, जो मोबाइल की सेटिंग है उसमें थोड़ी सी आपको क्या करना है, उसको सेट कर लेना है। इस वीडियो पर आप क्लिक करेंगे तो आपको इधर एक सेटिंग का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करेंगे तो सबसे ऊपर आपको क्वालिटी का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद सबसे नीचे एडवांस का सेटिंग दिखाई देगा, उस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद 360p पर क्लिक कर देना है, तब आपकी वीडियो की क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। अब आपको सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिखा है स्वर्ण संख्या, या इसे हम स्वर्णांक के नाम से भी जानते हैं, और यहाँ पे हमने इसका परिभाषा लिख दिया है, ठीक है। परंतु अभी आपको परिभाषा देखने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि परिभाषा मैं याद कराऊंगा, इसी वीडियो में याद कराऊंगा। अभी तक आप बन गए हैं तो और 5 मिनट बन जाइए, ठीक है, बने रहिए, आपको पता चल जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान नहीं देना है, सबसे पहले यहाँ पे एक मैं बर्तन ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक बर्तन ले लिया। अब इस बर्तन में समझिएगा, ये तो एक बर्तन है। अब इस बर्तन में हमने यहां तक क्या भरा हुआ है भैया, इसमें ध्यान दीजिएगा मैं क्या लिख रहा हूं, इसमें क्या भरा गया है, 10 ml मानक गोल्ड कोलाइडी विलयन, ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या भरा गया है, इस बर्तन में 10 ml क्या भरा गया है, मानक गोल्ड कोलाइडी विलयन इसमें भरा गया है, ठीक है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें 10 ml तक मानक गोल्ड कोलाइडी विलयन भरा हुआ है। अब इसमें हम क्या करते हैं, इसमें यदि मैं इस कलर से लिख रहा हूं क्योंकि आपको दिखाई दे, इसमें 10% NaCl को यदि हम इसमें मिलाते हैं, क्या मिलाते हैं भैया, 10% NaCl को मानक गोल्ड कोलाइडी विलयन में यदि हम मिलाते हैं ना, तो क्या हो जाता है भैया, इस मानक गोल्ड कोलाइडी विलयन का स्कंदन हो जाता है, स्कंदन, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि स्कंदन क्या होता है, तो इससे स्कंदन में बताऊंगा। इससे पहले मैं बता दूं कि हमने क्या बताया, हमने कहा एक बर्तन हमने लिया और उस बर्तन में क्या भरा हुआ है भैया, 10 ml मानक गोल्ड कोलाइडी विलयन भरा हुआ है। अब इस 10 ml मानक गोल्ड कोलाइडी विलयन में यदि हम 10% NaCl को मिलाते हैं तो इसका क्या हो जाता है, स्कंदन हो जाता है। स्कंदन का मतलब हो जाता है थक्का बनना। थक्का मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि इनके जो कण होते हैं ना वो आपस में क्या हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि इसको मैं मान लेता हूं दूध है, ठीक है, और आपने दूध में क्या मिला दिया भैया, दूध है, और इसको मान लेते हैं नींबू है। तो दूध में जैसे ही आपने दूध को मान लेते हैं गर्म कर रहे हैं और नींबू को आपने डाला, तो दूध क्या हो जाता है भैया, फट जाता है और वो पनीर बन जाता है। तो पनीर कैसे बना, उसका पनीर का मतलब दूध का स्कंदन हो गया है, तभी तो पनीर बना। मतलब क्या होगा, दूध के जो कण होते हैं वो आपस में चिपक जाते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आपके घर क्या है, दूध है, दूध में आपने दही मिला दिया और उसको रख दिया, तो दूध क्या हो जाएगा, पुनः दही बन जाएगा, बाद में क्या हो जाएगा, वो दही बन जाएगा। तो जो आपने दूध में दही मिलाया था, तो दही है भैया NaCl का कार्य करेगा वहां पे, और भैया जो मानक गोल्ड कोलाइडी विलयन है वो दूध है। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे, स्कंदन का मतलब होता है भैया कि क्या हो जाना, दूध से दही बन जाना। दही का मतलब कि एक जगह उसके अवयवी कण इकट्ठा हो जाना, ठीक है। तो इतनी बात आपने समझा कि 10 ml क्या है भैया, मानक गोल्ड कोलाइडी विलयन है, इसमें जब 10% NaCl मिलाते हैं तो इसका स्कंदन हो जाता है। अब इस स्कंदन को रोकने के लिए, समझिएगा, इस स्कंदन के प्रक्रिया को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, हम यहां पे हम 10 ml 10 ग्राम हम 10 ग्राम क्या ले लेते हैं, रक्षीय कोलाइडी विलयन, ठीक है। यहां पे हम क्या ले लेते हैं, 10 ग्राम जब 10 मिलीग्राम क्या ले लेते हैं, रक्षीय कोलाइडी विलयन को। अब इस 10
मिलीग्राम रचिया कोलाइडी विलयन को सबसे पहले हम इससे इसमें मिलाते हैं, ठीक है। मतलब सबसे पहले मानक गोल्ड कोलाइडी विलयन लिया गया है और उसमें 10 मिलीग्राम रचिया कोलाइडी विलयन इसमें पहले मिला देंगे, ठीक है। और उसके बाद यदि हमने इसमें मिला दिया है, ठीक है, इसको इसमें मिला दिया, उसके बाद हम इसको डालेंगे ना, 10% NaCl को पुनः इसमें डालेंगे, तब इसका इस विलयन का स्कंदन नहीं होगा, जो स्कंदन हो रहा था वो अब नहीं होगा, ठीक है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं भैया, स्वर्ण संख्या कहते हैं। मतलब हम डेफिनेशन क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि ये रचिय कोलाइडिय विलयन है, कितने मात्रा में डाला जा रहा है, तो 10 मिलीग्राम मात्रा में इसको डाला जा रहा है। तो हम कहेंगे रचिय कोलाइडो की मिलीग्राम में वह मात्रा, समझिएगा, रचिय कोलाइडो की मिलीग्राम में वह मात्रा जिसे 10 ml मानक गोल्ड कोलाइडिय विलयन में मिलाने पर 10% NaCl द्वारा स्कंदन से रोकता है या स्कंदन से बचाता है, तो उसे स्वर्ण संख्या या स्वर्णांक कहते हैं। तो आशा करते हैं आप समझे होंगे कि बात क्या कहा जा रहा है, ठीक है। मैंने आपका समय लिया, ठीक है, मैं चाहता हूं कि आपको याद हो जाए और डेप्थ में समझना है कि भैया स्वर्ण संख्या कहते किसे हैं, क्योंकि डेफिनेशन तो आप यूं ही रट लेंगे, परंतु समझना है ना, क्योंकि समझे रहेंगे तो आप जरूर, मतलब मान लेते हैं एग्जाम में आप भूल भी गए तभी आपको याद रहेगा। तो समझिए हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि आप क्या कहेंगे, इसका डेफिनेशन कहेंगे कि रचिय कोलाइडो की मिलीग्राम में वह मात्रा जिसे 10 ml मानक गोल्ड कोलाइडिय विलयन में मिलाने पर 10% NaCl द्वारा विलयन को स्कंदन से बचाता है या रोकता है, तो उसे स्वर्ण संख्या कहते हैं या स्वर्णांक कहते हैं। तो यही तो हमने डेफिनेशन भी यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है भैया, हमने लिखा है कि रचिय कोलाइडो की मिलीग्राम में वह मात्रा, रचिय कोलाइडो की मिलीग्राम में वह मात्रा जिसे 10 ml मानक गोल्ड कोलाइडिय विलयन में मिलाने पर 10% NaCl विलयन द्वारा स्कंदन से बचाता है, तो उसे हम स्वर्ण संख्या या स्वर्णांक कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको डेफिनेशन समझ में आ गया होगा, ठीक है, आ गया होगा। तो आप क्या कह सकते हैं, आप समझ गए होंगे कि इसको हम पहले इसमें मिला देंगे और उसके बाद यदि हम इसको डालते हैं NaCl को 10%, तो इसका स्कंदन नहीं होगा, तो उसे हम स्वर्ण संख्या कहते हैं। तो आशा करते हैं आप बोल देंगे ना। तो मैं एक बार और अंत में बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि भैया बार बार जितना आप सुनेंगे उतना आपको याद हो जाएगा और समझ के याद करेंगे तो बहुत समय तक याद रहेगा, ये तो बात अपने जानते ही है, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे कि आप कहेंगे रचिय कोलाइडो की मिलीग्राम में वह मात्रा जिसे 10 ml मानक गोल्ड कोलाइडिय विलयन में मिलाने पर 10% NaCl विलयन द्वारा स्पंदन से बचाता है, तो उसे स्वर्ण संख्या या स्वर्णांक कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। और कभी भी फिगर से याद कीजिए या फिजिक्स में फॉर्मूले से याद कीजिए उसका डेफिनेशन। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे, तो आपने वीडियो में बने रहे, ठीक है, जो भी आपसे बताया गया उतना आपने किया तो बहुत ही अच्छा लगा हमें भी। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं यही कहूंगा, यदि समझ में आया है तो सबसे पहले तो सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अदरवाइज बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो चाहते हैं कि क्लास 12th हो, फिजिक्स और केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज सिक्वेंस में एक एक करके वीडियो को पढ़ा दिया जाए और पूरे सिलेबस को एक ही जगह से मैं पढ़ के और अपना नोट्स बना सकूं, तो आपके लिए भैया एक नंबर यहाँ पे दिया जा रहा होगा। इस नंबर पे आपको कुछ नहीं करना है, इस नंबर पे व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पे आपको मैसेज करना है कि क्लास 12th फिजिक्स केमिस्ट्री आल वीडियो लिंक। तो आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज सभी जो भी टॉपिक है उनका लिंक दे दिया जाएगा, वहां से अपने चैप्टर वाइज आप पढ़ सकते हैं और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।